Hey guys, I'm Akshay Singh from My Black Plate. I do food and product photography for multiple brands, and this is my channel. In this channel, you'll get each and everything about food and product photography. So, हमारी जो आज की वीडियो होगी वो होगी हाउ टू डू फूड फोटोग्राफी विद जस्ट वन लाइट. चलिए शुरुआत करते हैं. सो सबसे पहले हम अपना बैकड्रॉप चूज करेंगे हमारी क्रॉकरी एंड फूड के अकॉर्डिंगली. वैसे तो मुझे डार्क मूडी लुक बहुत पसंद है, इसलिए मैं डार्क बैकड्रॉप यूज़ करता हूँ, लेकिन इस शॉट के लिए मैं लाइट शेड बैकड्रॉप यूज़ करूँगा. सो ये तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं. यस, दिस विल वर्क. बैकड्रॉप चूज करने के बाद हम अपने फ्रेम का कॉम्पोजिशन सेट करेंगे स्टाइलिंग के साथ साथ. कॉम्पोजिशन के लिए यूजुअली मैं पहले सिर्फ क्रॉकरी सेट करता हूँ, जिससे मुझे आइडिया हो जाए मेरे फ्रेम का और लाइट इफेक्ट का कि किस तरह लाइट इफेक्ट करेगी हमारे फूड को. स्टाइलिंग एंड कॉम्पोजिशन के ऊपर मैं अलग से इनडेप्थ वीडियो अपलोड करूंगा, सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. फाइनली हमारा फ्रेम सेट होने के बाद मैं इसमें अपना मेन डिश और रेलिवेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगा. थोड़ा कैजुअल लुक देने के लिए मैं इसमें ड्राई रेड चिलीज और करी लीव्स स्प्रेड करूंगा. हमारे शेडो एरिया काफ़ी डार्क हो रहे हैं, इसलिए मैं इसमें एक रिफ्लेक्टर ऐड करूँगा, जिससे वो एरिया लाइट से थोड़ा फिल हो जाए. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है वन लाइट सेटअप. मैंने जो सेटअप यूज़ किया है उसमें मैंने बैकलाइट यूज़ की है थोड़ा डायगोनल पोजिशन पर रखकर, जो कि काफ़ी अच्छा डेप्थ क्रिएट कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सेटअप यूज़ करता हूँ. आप अपने लाइट सोर्स को मूव करके भी एनालाइज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, लेकिन मुझे लगता है हमारा पहली वाली पोजीशन सही रहेगी. चलिए हमारा सारा सेटअप हो चुका है, तो अब फोटो क्लिक करते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ यस देन गिव अ थम्स अप एंड डू कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.